सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पार्ट 1 to 3 में हम लोग ओनली 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अभी भी हम लोग के पास 70 क्वेश्चन रिमेनिंग शेष है। सो अब हम ये चाह रहे हैं कि क्वेश्चन को ज़्यादा डिस्कस ना किया जाए, क्योंकि क्वेश्चन डिस्कस करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। उसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर पे फोकस किया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं बच्चे लोग जो सॉल्यूशन है उस पर ध्यान नहीं दे रहे, जो आंसर है आंसर पर ध्यान दे रहे कि आंसर क्या होगा। तो क्यों ना आपको डायरेक्ट बताया जाए कि आंसर क्या है। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 अकॉर्डिंग टू मी, हम लोगों ने 30 सॉल्व किया है, तो उसके बाद से हम सॉल्व करते हैं। आज देखते हैं अभी कितना हो पाता है, जितना हो सकता है आज कर लेंगे, उसके बाद आप लोग इकोनॉमिक्स के लिए रेडी हो जाइएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोलता है, द एवरेज नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट पर पेज अपेयरिंग इन ए न्यूज़पेपर इज 3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए पर्टिकुलर पेज 0 नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट आर देयर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आप इसका मतलब ना पूछे कि क्यों आया, कैसे आया, इसका आंसर ए है तो है। अगर फिर भी आपको डिटेल में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख दें, मैं आपको समझा दूंगा, बट अभी हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, तो 6 चिल्ड्रेन नेम्ड एज PQRST and UR सिटिंग इन ए रो, क्यू इज द बिटवीन UNS, टी इज बिटवीन PR, पी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू आइदर UNS, आर डज नॉट सिट बिटवीन 2S, सो यू इज सिटिंग बिटवीन द पेयर्स डैश ऑफ चिल्ड्रेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्यू एंड आर के बीच में बैठा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन MNOPQRSNT आर सिटिंग ऑन ए कंपाउंड वॉल फेसिंग नॉर्थ। तो देखिए, जब भी नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठा हुआ है, यानी कि उसका लेफ्ट हम लोग का लेफ्ट होगा, हम लोग का लेफ्ट उसका लेफ्ट होगा, यानी कि सेम होगा। उस प्रकार से अगर आप सोचेंगे और इस क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, आप क्वेश्चन पढ़ लें, आपको उसके बाद जो आंसर किए हैं और मैं जब भी जो बताऊंगा उसके बाद आप मिला लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्यों है, कैसे है, आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिख दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 में हम बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 33। आप क्वेश्चन देख ले, वीडियो को थोड़ा रोक सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, उसके बाद आप मिला सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 600। अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आंसर को डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 का भी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर C8 होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं अभी, सो आप बस देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 62। अब देखिए, अब एक रेशियो से क्वेश्चन आया था, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आप एक बार क्वेश्चन को देख ले, आराम से आप मिलाए कि आपने सही किया है या गलत किया है। उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 लॉक से था, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। सो हम लोगों ने अभी 5 मिनट के अंदर ही 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, अभी और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, आप बस देखते रहिए।
देखिए क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लें, उसके बाद आप आंसर देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 6। ठीक, उसके बाद एक एक लंबा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, राम का एज 13 है और यहाँ पर लिखा है राम इज स्टडिंग इन द कॉलेज। भाई 13 साल की उम्र में कौन कॉलेज जाता है? हम क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही बता रहे हैं कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इस फॉर्मूला के बेस पर आप लगा देते तो आपका आंसर आराम से निकल जाता। देखिए 15 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, अभी और करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 46, ये लिखने में बहुत टाइम लग रहा है, तो हो सके तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 46, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी नंबर 100। आप क्वेश्चन पढ़ ले, उसके बाद आप आंसर को पढ़ते रहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, ये आपके लिए अच्छा है। बोलेंगे क्यों? क्योंकि इसे अगर आप गलत भी किए हैं ना, इसे अगर आप रॉन्ग भी किए हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आंसर आ रहा है 0.5, बट 0.5 ऑप्शन में कहीं नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन पे आपको ग्रेस मार्क मिलेगा, एक नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए आंसर ये आ रहा है, आंसर यहाँ पे कहीं नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन में जो आंसर दिया गया है ये ऑप्शन गलत है, इसीलिए इसका ग्रेस मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बस आप देखते रहिए कि कितना क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अंकल। ठीक है अंकल जी, ठीक है चचा। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रदर। हम लोग एक और क्वेश्चन ऐसे ही डिस्कस किए थे, तो एक क्वेश्चन मतलब 2 क्वेश्चन एक जैसा आ गया था। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 50 है, इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय अ गर्ल सेड ही इज़ द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल, हु इज़ द बॉय टू द गर्ल। तो इसका सिंपल सा आंसर है ब्रदर, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 का भी आंसर आपको ए मिलेगा, कजन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 8। ठीक है, और देखिए थोड़ा और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 30 हम लोग किए थे, 30 और कर लेते हैं, 60 हो जाएगा, उसके बाद आज के लिए आप लोग को छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 53 जो है आपके मॉड्यूल से क्वेश्चन लिया गया है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आप मॉड्यूल खुलेंगे तो सिमिलर टाइप के या सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, सॉरी कि मेरा हैंडराइटिंग आपको उतना समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मेरा हैंडराइटिंग बहुत ही गंदा है, सॉरी फॉर डैट, बट क्या कर सकते हैं। देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, मैं आपको बता दूंगा कि वो आंसर क्यों होगा और हो सके तो मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, और क्वेश्चन डिस्कस करें? ठीक है, कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 में इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, बट इस पर डाउट भी हो रहा है, ये क्वेश्चन
सही है कि नहीं है, बट वो इस वीक पे हम करेक्ट आंसर नहीं बोल सकते कि क्या होगा, बट अकॉर्डिंग टू मे जो क्वेश्चन नंबर 56 है उसका आंसर सी होगा, बट इसका गारंटी हम नहीं ले सकते कि ये गलत है कि सही है। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, इसका गारंटी ले सकते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आप एक बार वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद आप आंसर को मिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सी द ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लिए, उसके बाद टाटा बाय बाय, गुड नाइट। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर होगा आपका 36। सो हम लोगों ने 30 पहले सॉल्व किए थे, 30 अभी सॉल्व कर लिए, तो टोटल हम लोग 60 सॉल्व कर लिए। अगर इस 60 में ही आपको क्या बोलते हैं कि 40 प्लस आ रहा है देना पास है, अदरवाइज आप देखना पड़ेगा। तो देखिए अभी हम लोग 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, रिमेनिंग का जो 40 बच रहा है वो हम लोग कल टेकअप करेंगे या नहीं भी करेंगे आप बोलेंगे तो उसका आंसर प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज नहीं, क्योंकि मैं भी एक सीए इंटर का स्टूडेंट हूँ। सो हमें इसमें टाइम लगता है, एक साल पहले मैं ये सब पढ़ा था, सो फिर से इन सब का आंसर ढूंढना, आंसर बनाना इज़ ए वेरी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर यू इको एग्ज़ाम। आप लोग इकोनॉमिक्स में बहुत ही अच्छा करके आए, उसका भी जो आंसर की होगा मैं चाहूँगा कि आपको प्रोवाइड करूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर से बोल रहा, आप इकोनॉमिक्स एंड बीसी के बहुत ही अच्छा एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मेरा उसमें 70 प्लस आया था, मैं जब फाउंडेशन दिया था उस समय मेरा इको में 70 प्लस आया था। तो आप लोग चाहें तो इससे भी अच्छा करें, क्योंकि अगर आपका मैथ ख़राब है, अगर आपका मैथ खराब गया है तो आपको बचाने के लिए एक ही भगवान है, वो है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स आज से ही पढ़ना स्टार्ट कीजिए और कल तक पूरा इकोनॉमिक्स ख़त्म कर दीजिए और आराम से कल पेपर देख के रिलैक्स कीजिए। ये सब ये वीडियो है, देखना चाहेंगे तो देखेंगे, वरना आप आराम से 2-3 दिन घर में रहना। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।